Hello friends, how are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. Friends, आज हम sandwich ढोकला बनाने वाले हैं. बहुत ही tasty और light हमारा ये नाश्ता बनने वाला है. और उसके लिए जो सामान चाहिए मैं आपको बताती हूँ. ढोकले के लिए जो lotion तैयार करना है उसका मैंने video डाला हुआ है. आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा. तो ये हमारा ढोकले का मिक्सचर है और इसके साथ साथ हमें जो सामान चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सैंडविच ढोकला बना रहे हैं इसलिए उसमें हमें चटनी का यूज़ करना है. ये ग्रीन चटनी है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और ये हमारी ग्रीन चटनी है और धनिया से बनाई गई है. और इसमें हमने सेब डाली है क्योंकि इसमें बेस चाहिए हमें, बहुत बारीक और पतली हमें चटनी नहीं चाहिए, इसमें थोड़ा थिक चाहिए. तो उसको थिक करने के लिए हमने इसमें थोड़ी सी सेव ऐड की है. आपने ग्रीन चटनी बनानी है और उसमें आपने थोड़ी सी सेव को ऐड कर देना है तो आपका चटनी का टेक्सचर कुछ इस तरीके से हो जाएगा. और इसके साथ साथ हमें हरा धनिया चाहिए और तड़के के लिए हमें चाहिए राई चाहिए, हींग चाहिए और कड़ी पत्ता चाहिए. और साथ में नमक की ज़रूरत पड़ेगी और तेल की ज़रूरत पड़ेगी और रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हो. और इसके साथ साथ हमें मीठा सोडे की ज़रूरत पड़ेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैंडविच ढोकला. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ढोकले का बैटर लेना है और इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है. लेकिन उससे पहले हम इसमें नमक ऐड कर देंगे. टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको नमक ऐड करना है. इसमें मैंने 1.5 टीस्पून इसमें डाला है. आप मिक्स करके थोड़ा टेस्ट कर सकते हो कि बराबर है नमक के नहीं. और नमक ऐड करने के बाद हमें इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है. फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर जो है वो फर्मेंट किया हुआ है, फर्मेंटेशन इसकी हुई हुई है, इसलिए इसमें कोई खटास ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. कई लोग नींबू ऐड करते हैं या दही ऐड करते हैं, लेकिन इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फर्मेंट हुआ हुआ है. तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे. इक्वल दो पार्ट्स में हमें डिवाइड कर देना है फ्रेंड्स. और एक हिस्से में हम पहले इसकी तैयारी करेंगे और इसको हम साइड में रख देंगे ढक के. और इसमें अभी सोडा ऐड नहीं करना क्योंकि जब इसको डालने की बारी आएगी तो तब इसमें प्रोसेस हम नेक्स्ट करेंगे. तो अभी हम एक पैन में जिसमें हमने बैटर डाला है एक लेंगे और इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड करेंगे. 1 टेबलस्पून करना है हमें ऐड और साथ में हम थोड़ा सा सोडा ऐड करेंगे. इसमें हल्का सा 1/4 टीस्पून जो है वो हमने इसमें सोडा ऐड किया और इसको अच्छे से मिला देंगे. और मेन टाइम हमने गैस के ऊपर रखा हुआ है बर्तन इसको स्टीम करने के लिए और वो पानी जो है वो उबलने के लिए हम तैयार रखेंगे. और इसके साथ साथ हमें अपना पैन जिसमें हमें ये डालना है ढोकला तो वो भी रेडी करना होगा. तो उसको हमें भी हमें पहले से रेडी करके रखना पड़ेगा. इसको हम अच्छे से ग्रीस करके रखेंगे. तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया है और अभी हम जो बैटर हमने तैयार किया है वो इसमें डालेंगे और स्टीमर में रख देंगे. ये हमारा बैटर रेडी हो गया है, इसमें हम पोर करेंगे.
बहुत मोटा इसकी लेयर नहीं करनी, पतली लेयर करनी है क्योंकि एक और लेयर इसके ऊपर आने वाली है, इसलिए बहुत थिक हमें लेयर नहीं करनी इसकी। तो ये हमें इवन कर देना है और इसको हम स्टीमर में स्टीम करने के लिए रख देंगे, 5 मिनट इसको स्टीम देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी उबल गया है हमारे स्टीमर में। तो अभी हम जो प्लेट जो तैयार करके रखी है वो इसमें रखेंगे और 5 मिनट तक इसको स्टीम देंगे। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये पक गया है कि नहीं। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, अभी हम इसको उठाकर अभी गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम उठाकर देखते हैं। हमारा ढोकला जो है वो थोड़ा पक गया है। तो अभी इस स्टेज पर हम इसके ऊपर चटनी को स्प्रेड करेंगे। ये फ्रेंड्स हमने चटनी बनाई जो है, ग्रीन कलर की जो चटनी बनाई है उसको हमें स्प्रेड करना है। और ग्रीन कलर की चटनी में आपको सेव ज़रूर ऐड करनी है ताकि इसका बेस जो है वो थोड़ा थिक हो जाए और ये होल्ड कर सके। आप पतली रखोगे तो वो अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, इसीलिए आपको थोड़ी सी सेव ऐड करोगे तो उसका टेक्सचर अच्छा आएगा और आपका सैंडविच अच्छा बनेगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, ग्रीन चटनी और ढोकले के बैटर का, तो आप वहां से चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से सारा हमें फैला देना है ग्रीन चटनी को। अच्छे से हमने ग्रीन चटनी फैला दी है। अभी हम नेक्स्ट दूसरा जो बैटर रखा है उसको हम रेडी करेंगे। अभी हम सेकेंड वाला बैटर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसमें भी सेम हमें ऑयल ऐड करना है 1 टेबलस्पून और हल्का सा 1/4 टीस्पून जो है वो हम सोडा ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। नमक ऑलरेडी मिक्स ही है इसमें, इसमें हमें खाली ऑयल और सोडा ऐड करना है और ढोकले के ऊपर हम इसको भी स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। जल्दी जल्दी हमें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमें जो चटनी बनाई है ढोकले के ऊपर उसके ऊपर पोर कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरा जो बैटर है उसको ये चटनी के ऊपर स्प्रेड कर देना है आराम से। पूरा चटनी को कवर करें ऐसे हमने इसको स्प्रेड करना है। ये हमारा पूरा कवर हो जाना चाहिए, ये देखिए। ये बैटर हमने बैटर से पूरा कोट कर दिया है। तो अभी फिर गैस ऑन करेंगे और गैस को ऑन करके इसको बंद करेंगे। स्टीमर को पहले स्टीमर को बंद कर देंगे और गैस को ऑन करेंगे। और फ्रेंड्स ये हाई फ्लेम पर ही हमें पकाना है और हाई फ्लेम पर अभी हम और 5 से 7 मिनट में ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा हमारा ढोकला। अभी हम 5 से 7 मिनट के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स 7 मिनट हो गए हैं, 7 मिनट के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और खोल के देखते हैं। फ्रेंड हमारा ढोकला जो है वो रेडी हुआ कि नहीं। हमें टूथपिक लेनी है और इसको इंसर्ट करके देखना है, बिल्कुल क्लीन निकल के आई है और इसका मतलब ये है हमारा ढोकला जो है वो बनकर रेडी है।
तो अभी हम इसको निकाल देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हमें तड़का लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, हमने तड़के के लिए कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दी है। अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे, 2 टेबलस्पून हमें ऑयल डालना है। बहुत कम ऑयल नहीं इसमें जाएगा, 2 से 3 चम्मच हमें टेबलस्पून ऑयल का डाल देना है और इसे गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें हम राई डालेंगे। एक बड़ा चम्मच भर के हम इसमें राई ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून राई ऐड कर दी। इसको स्प्लटर होने देंगे। राई हमारी स्प्लटर हो गई है, इसमें हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे। रेडी है और हमारा जो ढोकला ठंडा हो चुका होगा उसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ढोकला ठंडा हो चुका है, बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। तो अभी इसको काटेंगे, ये देखिए। इसको गर्म को नहीं काटना, जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें इसको काटना होगा, क्योंकि अगर गरम होगा तो वो बराबर कटेगा नहीं। ये हमारा ठंडा हो चुका है, ये देखिए कितना स्मूथली कट रहा है। और इसको इसी पीसेस में काट देना है, आप स्क्वायर पीस रख सकते तड़का। ये तड़का ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। हमने पहले इसीलिए काटा है ताकि हमारा ऑयल जो है वो बीच में भी थोड़ा बहुत चला जाए और उसका टेस्ट आ जाए। ये देखिए, वाव। इस तरीके से आपको ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी और परफेक्ट ढोकला जो है वो बना रहा है, हमें हमने तैयार कर लिया है। और इसको अभी हम सर्व करके आपको बताते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सैंडविच ढोकला रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट ढोकला हमारा रेडी है। इसको हम गार्निश कर देंगे थोड़ा हरे धनिए से और बिल्कुल हमारी डिश जो है वो तैयार है। और मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी और आप ज़रूर इसे ट्राई करोगे। तो ये देखिए।